हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे पांच ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि विद इन वन ईयर आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, लगभग 3 महीने हो गए हैं। तो अब से एवरी सैटरडे इस तरीके का एक वीडियो आने वाला है जिसमें 4 से 5 कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इन फ्यूचर आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकें। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, और पहली कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इस कंपनी को अगर आप लोग देखें तो ये म्यूचुअल फंड सेक्टर से बिलोंग करती है, अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है और इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो HDFC का ये जो प्राइस आप लोगों को दिख रहा है 2899 रुपीस का, बहुत जने क्या करते हैं ये प्राइस देखते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप लोग इस प्राइस पर भी अगर पैसा लगाते हैं ना तो ये कंपनी यहां से आप लोगों को 30-40% पैसा बनाने का पोटेंशियल रखती है। तो आप लोग करंट प्राइस पर भी एंट्री करेंगे तो आपका अच्छा खासा पैसा इस कंपनी में बन सकता है। इस कंपनी का अगर 1 वीक का परफॉर्मेंस आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7.57% ये कंपनी में करेक्शन आ चुका है। तो एक अच्छी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस अच्छा है, वो आपको एक अच्छे लेवल पर आप अभी अवेलेबल हो रही है, तो आप लोगों को पैसा जरूर इस कंपनी में लगाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी पहली कंपनी, और लार्ज कैप कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये स्टॉक और भी नीचे गिरता है तो आप बाय ऑन डिप इस स्टॉक में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी रहने वाली है वो है बाटा इंडिया लिमिटेड। 1598 का अभी प्राइस चल रहा है। 1 डे की बात करें तो 0.98% अप है। 1 वीक में आप लोग देखिए इस स्टॉक में लगभग फ्लैट है, और 1 मंथ में जब आप लोग इस कंपनी का रिटर्न देखेंगे, देखिए माइनस में। तो बाटा इंडिया का जो स्टॉक है वो अभी कंसोलिडेशन फेज में है और एक बड़े अपमूव के लिए रेडी है। तो आप लोग करंट प्राइस पर इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी 5 से 6 महीनों में बहुत शानदार रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी जो रहने वाली है FMCG सेक्टर से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 2358 का प्राइस है। कल अगर आप लोग इस कंपनी का प्राइस आप लोगों ने देखा होता तो ये कंपनी लगभग 2500 पर इस कंपनी ने लेवल अचीव किया था, लेकिन वहां से एक शार्प करेक्शन आया, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आया है और अच्छे लेवल पर ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं और ये कंपनी भी आप लोगों को बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती है। एटलीस्ट 2600 के ऊपर ये कंपनी जा सकती है शॉर्ट टर्म में भी, तो अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर है वो और भी क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी रहने वाली है वो है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 956 के लेवल पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। 930 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हम करंट प्राइस पर भी अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ से ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और लास्ट कंपनी जो होने वाली है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 658 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, और अभी 665 पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मैंने पर्सनली इस कंपनी में पोजीशन लिया है, तो आप लोग भी इस कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कंपनी आपको विद इन 1 ईयर अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, और इसका अल्टरनेट SBI लाइफ इंश्योरेंस भी है। उस कंपनी को भी अगर आप लोग वॉचलिस्ट में ऐड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का पैसा बहुत अच्छा बनेगा। आप लोगों में से बहुत जनों का एक डाउट होगा कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, तो हम लोग जैसे ही पैसा लगाएंगे और मार्केट करेक्ट हो गया तो फिर हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने ये जो 5 कंपनी बताई है वो एक ऐसे लेवल पर ट्रेड कर रही है जहां से अगर करेक्शन आता भी है तो इन कंपनी में लिमिटेड करेक्शन आएगा, बिकॉज ऑलरेडी करेक्शन इन कंपनी में हो चुका है। तो ये कंपनी में, और आप लोग देखिए जो करेक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है।
आप लोगों ने मार्च में भी देखा होगा, मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छा खासा पैसा बना होगा। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में मैंने 26 रुपए से आप लोगों को स्टॉक सजेस्ट किया था। आप लोग देख सकते हैं आज प्राइस, देखिएगा वो स्टॉक का प्राइस क्या है। टाटा मोटर्स को हमने 65 से लिया था, दीपक नाइट्राइट को हमने 400 से लिया था, विप्रो को हमने 263 के आसपास लेवल पर हमने ग्रैब किया था। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक हैं। बजाज फाइनेंस आप लोग देख लीजिए, 2000 से हम लोगों ने बाई किया था, तो मेरा अच्छा पैसा बना है। तो आप लोग जितने भी हैं मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर, आप लोगों का भी पैसा बहुत अच्छा बना होगा। तो इसी तरीके की ये भी 5 कंपनी है, अच्छा रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकती है। तो आप लोग वॉचलिस्ट में जरूर ऐड कीजिए, और जब भी इन कंपनी में 4 से 5% का डिप आए तो आप लोग और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बस मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग आप लोग जरूर रखिएगा, 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप लोगों को इन कंपनीज में अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।